हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोग जो मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार देते हैं, मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, तो आपको मेरे पढ़ाई टॉपिक समझ में आ रहे हैं, जब आप मुझे ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लग रहा है या बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई क्वारीज जो है छोड़ते हैं और उसे मैं सोल्व कर पाती हूँ तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। तो होपफुली ये रिलेशन जो है आप लोगों ने जो मंत्रा एजुकेशन हब की जो फैमिली बनाई है उसे धीरे धीरे और बढ़ाते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रोज़ के जो कमेंट्स आते हैं उसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो होपफुली ये आपका जो रिलेशन मेरे साथ बिल्ड हो रहा है वो आगे कंटिन्यू में ऐसा बना रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है आप जो भी मुझे बताते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए मैं उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके लेकर आने की कोशिश करती हूँ। जो भी आपकी कोई क्वारीज होती हैं कोशिश करती हूँ उसे जल्द से जल्द दूर करने की। तो थैंक यू सो मच सभी को मेरी तरफ से। और आज का जो है हमारा टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने जो है पेरेंट्स के इश्यूज़ के बारे में जाना था, तो जब तक मुझे लगता है हम इश्यूज़ के बारे में जान रहे हैं लेकिन उसको सॉल्व करना नहीं जानेंगे, उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है वो नहीं जानेंगे, तो इश्यूज़ जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की क्लास जो है कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में ही हम बात करेंगे, किनके पेरेंट्स के बारे में, कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से उनके चैलेंजेस और इश्यूज़ को कम किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है पेरेंट्स के लिए। सबसे पहली स्ट्रेटजीज आती है CBT, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से जानते हैं। एंड जैसे ही पेरेंट्स के पास एक बच्चा आता है और उनको पता लगता है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो वो जो है बहुत उनके मन में जो है बहुत नेगेटिव थॉट्स जो है आने शुरू हो जाते हैं। लाइक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है, ये बच्चा जो है कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, इस तरीके के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो CBT जो है सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करती है पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है CBT बहुत अच्छे से पेरेंट्स के लिए वर्क करती है। तो याद रखिए CBT जो है आप प्रेफर कर सकते हैं, प्रेफर करेंगे जब पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट जो है वो अपने माइंड में जो है चला रहे हों। इसके अलावा जैसे भी मैंने बोला बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं डिप्रेशन एंजाइटी के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम जो है उनको शुरू हो जाती है, तो इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो हम लोग करा सकते हैं, मसल रिटेंशन पर जो है हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल एक्सप्रेशन, जब पेरेंट्स के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको रेफ़र करना चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन जो जिस पे आप विश्वास करें, उन्हें अपनी चीज़ें बताएं। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं किसी को भी तो राइटिंग जो है वो करना शुरू करिए, अपने थॉट्स अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आपको मन में आ रहा है उसे राइट करें, क्योंकि जब तक वो मन में रखे जाते हैं तो वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है नेगेटिव थॉट्स। तो बजाय कि जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग को, जब दूसरे तक पहुँचा देते हैं तो हमारी जो सोच होती है वो थोड़ी सी बाउंड हो जाती है, वहाँ पर आकर रुक जाती है। पॉजिटिव तो नहीं बट मैं बोलूँ कि वहाँ पर आकर जो है रुक जाती है और ज़्यादा बढ़ती नहीं, एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ता नहीं चला जाता है। तो ज़रूरी है कि जब भी कोई पेरेंट्स आपके पास आए बहुत एग्रेसिव हैं तो उनको उनसे चीज़ें शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी चीज़ें जो है सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस आप तक शेयर कर सकें। अगर आपसे नहीं कर पा रहे हैं तो और बहुत सारे ऑप्शन आप बता सकते हैं कि किस तरीके से वो शेयर कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छा तरीका है डायरी पर या फिर मिरर के आगे जो है अपनी चीज़ों को, एग्रेशन को, अपनी जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे बोलने का। इस तरीके के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिस तरीके से हम लोग अपनी फीलिंग को जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक टेक्निक है जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाती है, साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आती है। ये हम लोग मेडिटेशन नॉर्मल भी लाइफ में करते हैं और अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। तो ये पेरेंट्स को भी रेफ़र करनी चाहिए कि वो जब भी उन्हें लगे कि उनको डिप्रेशन हो रहा है या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पर जो है मेडिटेशन करें। जनरली हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं डेली लाइफ में तो अर्ली मॉर्निंग करते हैं, लेकिन यहाँ पेरेंट्स को जब आप रेफर करें, जब भी उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तभी उसी टाइम उसी दौरान उनको मेडिटेशन करने की जो है सलाह देनी चाहिए।
नेक्स्ट टेक्निक आती है सेल्फ कंपैशन। यहाँ पर सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप पे दया करना, कि अपने आप को गिल्ट जो आ रहा है कि बच्चा मेरी वजह से ऐसे हुआ है, मेरी वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो गई है, मेरी वजह से जो है इस तरीके की वो ज़िंदगी जिए रहा है या जिएगा आगे जाके, तो इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग जो अपने लिए आती है उसको कंट्रोल करना, उसे कम करना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेरेंट्स इस पर कोशिश नहीं करेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि सभी बच्चों जो भी हमारे इस दुनिया में आते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, पेरेंट्स की वजह से नहीं आते हैं। कई बार बहुत सारी जो है क्रोमोसोम या जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जीन्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, मिस हैपनिंग होती है, जिसकी वजह से वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं। इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है वो बच्चा इस तरीके का है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, उसके बहुत सारे अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उसको लेकर बहुत कुछ पेरेंट्स कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ उनको विश्वास दिलाई तो ज़रूर जो है अपने आप में जो उनके लिए गिल्ट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यहाँ पर जो है जब पेरेंट्स के पास इस तरीके के बच्चे होते हैं तो ऐसे नहीं है कि उन्हें बचपन से ही ऐसे है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं उस टाइम पर उनके सोचने की जो है प्रॉब्लम, जो मैंने भी बताया ही है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा, नॉलेज अवेलेबल नहीं होती जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं। तो डिस्कशन के थ्रू जो है उनकी जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना और दूर करने की स्किल्स जो है उनमें डेवलप करना, कि बच्चा अगर ऐसा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर बच्चा इस तरीके से कर रहा है, यानी अगर ईटिंग स्किल्स उसकी नहीं आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, तो उसके अंदर ये जो स्किल्स है वो डेवलप करना, कि जब बच्चा कुछ भी कहीं पे अटक रहा है तो आप क्या करेंगे, आप किस तरीके से उसके लिए स्टैंड लेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर जो है पेरेंट्स के अंदर डेवलप करना। जब पेरेंट्स के पास इस तरीके से बच्चे होते हैं तो वो सोशली जो है इंटरेक्ट लोगों से नहीं करते, वो कट जाते हैं बिकॉज ऑफ कई बार शेमनेस की वजह से, कई बार जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से, टाइम कम होने की वजह से इंटरेक्शन नहीं होता। तो धीरे धीरे जो है इन पेरेंट्स के जो है इंटरेक्शन को बढ़ाना होगा, ताकि वो लोगों से बात करें, कम्युनिकेशन करें, जिससे उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो कम होगा ही, सही साथ में उनको नॉलेज भी मिलेगी। जब वो अदर पेरेंट्स से बात करेंगे तो पता लगेगा कि उनके पास भी इस तरीके के बच्चे हैं, या कम्युनिटी में जो है इस तरीके की अवेयरनेस हो रही है, या इन बच्चों के लिए इस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं। जब कम्युनिकेशन करेंगे पेरेंट्स तो बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आएंगी जो पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल को भी जो है बढ़ाना होगा, जो छूट गई है बच्चे होने पर। टेक्निक है सेटिंग बाउंड्रीज। यहाँ पर याद रखिए, मुझे बच्चे के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे पेरेंट्स को एम्पावर करना है, पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना है। तो पेरेंट्स को रेडी करना है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देनी है, जब मैं ये सब काम करूँगी तो पेरेंट्स अपने आप कैपेबल हो जाएंगे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी जो बाउंड्रीज हैं वो ध्यान रखनी है, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाने में उनको जो है प्रमोट करना है, ताकि जो है उनका टाइम सेविंग हो सके, उनकी एनर्जी सेविंग हो सके, उनके जो बर्डन है वो कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, या एक कह सकते हैं सेटअप रेडी करना है, या कह सकते हो एक डेली रूटीन जो है वो रेडी करना है। आता है असर्टिवनेस ट्रेनिंग, जिसके अंदर पेरेंट्स को इनकरेज किया जाता है ताकि वो चिल्ड्रंस की नीड को समझें और उनको पूरा करें, ताकि यहाँ पर जो है कह सकते हैं एक तरीके की चाइल्ड एडवोकेसी के बारे में पेरेंट्स को जानना, उसके बारे में उन्हें अवेयर करना। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को ये बताना कि उनकी जो नीड है उनको पूरा करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनकी नीड क्या क्या है वो समझें उस चीज़ को, तभी उसको पूरा कर पाएंगे। आता है फैमिली काउंसलिंग। यहाँ पर जब ज़रूरत पड़े तो फैमिली काउंसलिंग भी उनको प्रोवाइड करवाई जाए। हो सकता है आपस में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिली में, मैरिज काउंसलिंग भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, कि अगर पेरेंट्स आपस में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आपस में ब्लेम कर रहे हैं, तो फैमिली काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, कि बच्चे को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं समझ में आ रही है, तो इसके लिए जो है फैमिली काउंसलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो फैमिली के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं उनको कम किया जा सके, और मिलकर जो है फैमिली जो है बच्चे की ग्रोथ पर जो है ध्यान दे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज आती है आपका बिहेवियर स्ट्रेटेजीज। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के अंदर काफ़ी सारे माल अडप्टिव बिहेवियर देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लेकिन हालांकि सेम ग्रुप बच्चों में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों को हम सिंपल डांट देते हैं, या फिर थोड़ा सा पेरेंट्स आंखें दिखा देते हैं, तो इस तरीके से बच्चा समझ जाता है, लेकिन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए किस तरीके की डिफरेंट टेक्निक्स जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है, तो बिहेवियर स्ट्रेटेजीज के बारे में बताना और सिखाना दोनों जो है वो ज़रूरी है।
नेक्स्ट आता है साइको एजुकेशन, जिसके अंदर बच्चे की पूरी नॉलेज जो है प्रोवाइड की जाती है उसके माइलस्टोन की, कि कब बच्चे का कौन सा माइलस्टोन कब डेवलप होता है, अगर बच्चा इससे जल्दी हो रहा है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, अगर डिले हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके अलावा क्या किस चीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है, इसके अलावा इस बच्चों की क्या नीड्स हो सकती हैं, उस नीड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी एज ग्रुप में क्या नीड्स पड़ सकती हैं। तो ये यानी जो पूरी की पूरी एजुकेशन है चाइल्ड को लेकर, तो वो पेरेंट्स को बताना ताकि वो बता पाए, समझ पाएँ बच्चे की नीड भी और बता पाएँ कि इनका जो माइलस्टोन है वो डिले हुआ है या जल्दी डेवलप हुआ है टाइम से पहले, तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो कौन से थेरेपिस्ट के पास लेकर जाया जाए, किस तरीके से उस पर काम किया जाए, वो सारी चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। यहाँ पर जो है ओवरऑल कह सकते हैं पूरी तरीके से पेरेंट्स को अवेयर करना है बच्चों की नीड्स को लेकर, बच्चे की इंटरेस्ट स्ट्रेंथ को लेकर, स्ट्रेटजीज को लेकर, और दूसरी ओर हम लोग पेरेंट्स को एम्पावर कर रहे हैं। ये दो मेन फोकस जो है जब भी पेरेंट्स आपके पास आएंगे वो रहेगा, नॉलेज प्रोवाइड करना, एम्पावर करना, साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए उनको ट्रेंड करना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है गोल सेटिंग। यहाँ पर मुझे बच्चे की गोल सेटिंग करके नहीं देनी है, यहाँ पेरेंट्स को बताना है कि कैसा गोल होना चाहिए इन बच्चों के लिए। हम लोग कई बार कहते हैं, नॉर्मल बच्चों की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे गोल्स होते हैं, हम लोग कुछ भी सिखा देते हैं लेकिन उनके यूज़ है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए गोल बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती है, तो सिखाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम ऐसे ऐसे गोल्स चूज़ करते हैं जो उसके यूज़ में आए डेली टास्क में, अदरवाइज़ बच्चा नहीं करेगा तो भूलता चला जाएगा। तो इस तरीके के गोल लेना जो बच्चा डेली लाइफ में यूज़ करे, उसके हेल्पफुल हो, उसके लिए छोटे छोटे टास्क लिए जाए, छोटे छोटे गोल लिए जाए, ना कि बहुत बड़े बड़े जो है टास्क या गोल लिए जाए। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए पेरेंट्स को ट्रेंड करना गोल सेटिंग के लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आता है इनकरेज रूटीन। यहाँ पर जो है पेरेंट्स को इनकरेज करना, प्रमोट करना, ताकि वो डेली रूटीन जो है वो पूरी बना सके, जिसमें उनको पता लगे कि कब कहाँ क्या करना है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके, बच्चे के लिए कोई भी ऐसा काम जो है वो रह ना जाए बिकॉज ऑफ हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना डेली रूटीन बनाना, उसके लिए इनकरेज करना, साथ ही साथ बच्चे के लिए किस तरीके से डेली रूटीन बनाना है उसके बारे में भी ट्रेंड करना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेली रूटीन, तभी आपका जो है चीज़ें मैनेज हो पाएंगी पेरेंट्स की, और बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी कोई भी नीड जो है ऐसी ना हो कि हम लोगों से छूट जाए, पूरी ना हो, इसके लिए उनके लिए डेली रूटीन बनाना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के इंटरवेंशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रोफेशनल्स अगर नहीं पता है, या कोई मटेरियल्स कहाँ से मिलता है इन बच्चों के लिए वो नहीं पता है, एजुकेशन कहाँ से प्रोवाइड होगी ऐसे बच्चों को वो नहीं पता है, स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कौन सी थेरेपी बेस्ट है या क्या हमें दिलाना है, जिस तरीके भी की उनकी क्राइसिस आ रही है इंटरवेंशन के अंदर, उनको दूर करना, वो भी एक आपका इंटरवेंशन का प्लान है। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग देना। यहाँ पर सोशल स्किल ट्रेनिंग देने का मतलब जो है ताकि एक पेरेंट दूसरे से कनेक्ट हो और दूसरा पेरेंट तीसरे से कनेक्ट हो, तो इस तरीके से सोशल नेटवर्किंग जो है वो बन सके और वो स्ट्रॉन्ग हो सके। पेरेंट्स एम्पावरमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ये बहुत हेल्प करता है, सोशल नेटवर्किंग जो है बहुत हेल्प करती है, या कह सकते हैं सपोर्ट ग्रुप्स बहुत हेल्प करते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब पेरेंट्स बाहर निकलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, सपोर्ट ग्रुप से मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो पेरेंट्स जो है वो मेरे से सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है अगर कोई ऐसा पेरेंट मिले जिनका खुद बच्चा स्पेशल है तो उनके साथ जो है वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। तो इसलिए सोशल स्किल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है एक सपोर्ट ग्रुप बनाया जा सके, और ऊपर से वो किस तरीके से सपोर्ट ग्रुप को चलाया जा सकता है एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। इसके अलावा जो है ज़रूरी है रिसोर्सेज को बताना कि कहाँ पे क्या मिलता है। मैंने ये तो बता दिया है कि पेरेंट्स को अवेयर करने के कहाँ पे किस तरीके की स्कीम्स जो हैं चल रही हैं, या क्या क्या नीड्स बच्चे की है वो कहाँ कहाँ से पूरी होगी, ये तो बताना, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं, कौन सा बच्चा कहाँ पे इनरोल हो सकता है, तभी जो है आप भी पेरेंट्स को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो जल्दी मैं कोशिश करूँगी आपको डिफरेंट टाइप की स्कीम्स जो है कौन सी गवर्नमेंट द्वारा आई हुई हैं उसके बारे में बता सकूं फुल डिटेल में, या थोड़ा थोड़ा जैसा भी आपका रूटीन में होगा मैं ज़रूर कोशिश करूंगी बताने की। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आई होंगी और कभी ना कभी आप इसे यूज़ करेंगे जब भी आपके पास चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के पेरेंट्स आए। जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो होपफुली आप भी ये स्ट्रेटेजीज यूज़ करिए, ज़रूर आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग जो है आने लगेगी।
आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।